वीडियो बनाइए कि इंस्टा पे स्टोरी। हेलो एवरीबॉडी सर, गुड मॉर्निंग। टाइगर कहता है जब जागो जब सवेरा। आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे सर, कोई एक बंदा हमारी बात का आंसर दीजिए प्लीज। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से आए हैं जो नवाबों की राजधानी है। वेरी नाइस सर। जिम कॉर्बेट आए हैं आप लोग? अच्छा, तो आप जिम कॉर्बेट में क्या देखना चाहते हैं? टाइगर। अच्छा, टाइगर देखना चाहते हैं आप। देखिए, हम रिवर के पास खड़े हैं, ये नदी है, बहुत शांत रहती है। वहाँ देखिए एक स्पॉटेड डियर है जिसकी बॉडी पे स्पॉट होता है, वो जल्दी स्पॉट होता है, सबसे पहले दिखने वाला प्राणी स्पॉटेड डियर है। और ये टाइगर का फूड है, टाइगर इसको बहुत अच्छे से मारता है और कई बार ऊपर ले आके बैठ के खाता है। बहुत शांति प्रिय है टाइगर, बहुत जेंटल पर्सन है। बट अगर उसके बीच में कोई आता है तो टाइगर हमको नुकसान पहुंचाता, हंट कर सकता है। ये सब हंटिंग पीरियड है, हंटिंग एरिया, जैसे रिवर जहाँ खुला स्पेस होता है, वहाँ पानी भी मिलता है, उसको डियर भी मिल रहा है, तो ऐसी जगहों में टाइगर रहते हैं। तो देखिए, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, हम लोग दोपहर की सफारी में जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, बशर्ते आपने रूल्स फॉलो करने हैं। हेलो, तो रूल्स फॉलो में करेंगे आप लोग? गाड़ी से नीचे तो ना कहीं अलाउ नहीं है, कोई रैपर बाहर नहीं फेंकेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे आप लोग सब। बैठिए, मैं आपका एक फ़ोटो निकाल रहा हूँ वाइल्ड लाइफ की पिक्चर के साथ। आप लोग शांति से बैठिए, ये पीछे वाले खड़े हो जाएंगे, आगे वाले बैठ जाएंगे। तो सब लोग आप स्टूडेंट हैं जी? अच्छा, तो आप टाइगर देखने की इच्छा आपको जिम कॉर्बेट लेके आई है, राइट? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भैया लोग? सबका ग्रेजुएशन। ओह, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आप 2022 में आप खूब आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन जिम कॉर्बेट विषय के में आप क्या कहेंगे? जिम कॉर्बेट के विषय में अभी देखा ही नहीं। अभी देखा नहीं है जी, अभी देखा। समझना चाहते हैं, जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़ा पार्क है जो एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारे जिम कॉर्बेट साहब ने इसका सीमांकन कार्य किया था, और एक विदेशी होने के बावजूद भी, आप लोग ध्यान से सुने कि एक विदेशी होने के बावजूद उन्होंने इंडिया के लिए इतना काम किया कि इस पार्क का सीमांकन किया, और जगह जगह बहुत बड़े बड़े रेस्ट हाउस बनवाए हैं और नाइट स्टे के लिए रूम बनवाए हैं। और ये सारे रोड ब्रिटिश टाइम से तैयार हुए हैं, आप जो देख रहे हैं ना, ये सब ब्रिटिश टाइम की देन है। लेकिन जंगल बहुत घना है, आप देख रहे हैं, लेकिन नीचे उतरने मना है। ये सब प्रकृति की कितनी सुंदरता है जो हम लोग उसको निहार रहे हैं। और पीछे से अगर टाइगर आता है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, क्यों भाईजान? अगर टाइगर आपको दिख जाए तो आप खुश हो जाएंगे ना। सभी लोग होप लेके आते हैं कि हमको टाइगर मिल जाए, लेकिन टाइगर ऐसी जगहों पर बैठा होगा शांति से, जैसे पेड़ है, रिवर है, वो जहाँ जहाँ पत्थर हैं डीप एरिया में बैठ जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं आप लोगों के साथ में, बने रहिए, हम लोग जिम कॉर्बेट में आगे चल रहे हैं डीप फॉरेस्ट में। ओके ओके, बाय, टेक केयर, आगे चलेंगे, थैंक यू।